चैनल। अगर आपको घर पे बढ़िया पिज्जा बनाना है तो आपको जरूरी नहीं ओवन की जरूरत पड़े, आप नॉनस्टिक की पैन पे भी जो है पिज्जा बना सकते हैं। पिज्जा जैसे कि आपको पता है कि बड़े और बच्चों सभी को पसंद है, तो आइए अपन देखते हैं कि पिज्जा कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो पिज्जा रेसिपी है बनाने के लिए। इसके लिए मैंने मार्केट में अवेलेबल पिज्जा बेस लिया है जो कि टॉप एंड टाउन कंपनी का है। आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, मार्केट में इजीली ये चीजें अवेलेबल रहती है पिज्जा बेस, तो इसलिए इसको बनाना नहीं बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा पिज्जा बेस के लिए जो है सॉस आता है जो कि डेनमोंट कंपनी का मैं लेके आया हूँ। पिज्जा पास्ता सॉस लिखा हुआ है उस पर, वो यूज कर सकते हैं। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और जो है चीज क्यूब ले सकते हैं आप। और इसके अलावा ये चटनी जो है मैंने निकाल ली है पिज्जा सॉस की। अब जो है हमें बेस पे है ये चटनी ऐड करना है, तो हम जो बेस पे चटनी ऐड करेंगे, अब जो है हम इस पे जो है चटनी ऐड कर रहे हैं, सॉस जो है पिज्जा बेस का वो इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं। स्टेप से आप फैलाइए बेस पे सॉस। अच्छे तरह पूरे बेस पे फैला लीजिए। आप आपके टेस्ट के हिसाब से इसे चरखा या कम चरखा रख सकते हैं। मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, इस वजह से मैं थोड़ा ज्यादा लगा रहा हूँ। जो भी इंग्रेडिएंट्स अपन ने बताए थे इसमें, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब लगा इस पे टॉपिंग कर दीजिए। जैसे टमाटर जो अपन ने लिया था चॉप करा हुआ, उस पर हल्का हल्का सा डाल दीजिए। शिमला मिर्च ले लेते हैं अपन थोड़ी। कॉर्न जो रहता है भुट्टे के दाने, वो भी यूज कर सकते हैं बॉईल करके, वो भी ऐड कर सकते हैं टॉपिंग के लिए। ऑलिव आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। बट ये इजी वे है पिज्जा बनाने का जो कि सस्ता सुंदर है, इससे भी टेस्ट अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर जो है अपन प्रोसेस चीज जो है, अगर चीज आपके पास प्रोसेस हो मतलब पिसा हुआ हो तो वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो तो इस टाइप से चीज क्यूब ला सकते हैं। अब जो है अपन इसे ग्रेडेड कर लेते हैं पिज्जा बेस पे, जो अपन ने बेस रेडी करा है उसके ऊपर इस टाइप से खिसनी की सहायता से जो है चीज क्यूब को कर लेते हैं ग्रेडेड। स्टिकी पैन लिया है और इसको मीडियम आंच पे रखना है, तो बिल्कुल एकदम मीडियम आंच पे होनी चाहिए, सबसे ज्यादा मीडियम आंच। और इसके ऊपर जो है हम पिज्जा का जो बेस तैयार करा है वो रखते हैं। कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें अपने को, ना तेल लगाना है ना घी लगाना है, एज इट इज इसको जो है इस टाइप से इस पे रखना है और इसको ढक के रखना है ताकि जो अपन ने प्रोसेस चीज डाला है इसमें वो मेल्ट हो जाए। तो इसको जो अपन है ढक देते हैं एक प्लेट की सहायता से। हमने जो इसको कवर कर लिया है इस प्लेट के सहायता से, जो इसको 5 से 10 मिनट होने देंगे। 5-1 मिनट बाद हम वापस चेक करेंगे कि प्रॉपर हुआ है कि नहीं।
ये 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हमने प्लेट हटा के इसको देखा तो पिज्जा जो इस टाइप से बना हुआ है, देखिए आप, पूरा चीज जो है मेल्ट हो चुका है। देखिए पूरा पिज्जा में चीज जो है वो मेल्ट हो चुका है और ये जो है बेस भी इसका जो है कड़क हो चुका है, जैसा कि आपको मार्केट में मिलता है। इसका जो बेस है वो मेन कड़क होना चाहिए जो कि हो चुका है। ये हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है, इसे हम गार्निश कर चुके हैं और इसमें जो है मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जो है रेसिपी पसंद आई होगी। एक बार बना के जरूर देखिएगा कि नॉन स्टिकी पैन पे पिज्जा कैसा बनता है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन, तो आपको जो है कमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों टिल देन दोस्तों टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।